करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर आप एक डिटेल बता देंगे किस तरह से आपके लेक्चर्स होते हैं और किस तरह से आप इसको कवर करवाएंगे। तो देखें, सबसे पहले तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। अब देखें, रिकॉर्डेड और जूम जो लेक्चर्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं पे लाइट नहीं होती, कहीं पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला होता है, तो फिर स्टूडेंट्स का लॉस हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग से आपके पास ये फायदा होता है कि एक तो आप उस 24/7 आपके पास वो अवेलेबल होती है, और इसके अलावा आप उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और जब आप लोग पेमेंट कर देते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको और भी डिफरेंट स्टूडेंट्स या फिर वहाँ पे कुछ टीचर्स भी ऐड होंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा, इसके अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इसका, सेनोनिम और एंटोनिम का। उसके बाद 2 में सेनोनिम एंटोनिम कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से हमारे लेक्चर्स, अभी जो मेरा प्लान है वो 8 लेक्चर्स तक का है। इसके अंदर कोशिश ये करेंगे कि इसको डिटेल्ड स्टडी करें, और टेस्ट से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले हम इसको कंप्लीट कर लें ताकि आप रिवीजन अच्छा कर सको, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये उसी फीस के अंदर शामिल है जो आप वन टाइम पे करोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले यहाँ पे 3 टर्म्स हैं जो अगर आप लोग करंट अफेयर्स से वाबस्ता हो अभी, और अभी जो दुनिया में आप देख रहे हो, ये टर्म्स आपको जरूर सुनने में मिली होगी, एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक। ये क्या है? इन 3 टर्म्स को कैसे आप बताओगे कि इनका मतलब क्या है, इनके सिनोनिम्स क्या होते हैं, इनके एंटोनिम्स कैसे होते हैं? तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्ड्स को तोड़ते हो और आपको उसका मीनिंग पता चल जाता है। स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स आपको बताऊं। देखें, डोंट क्रैम, ये अपने रॉट लैंडिंग नहीं करनी होती। यहाँ पे अगर आप रट्टे लगाओगे ना कि इस वर्ड का ये मतलब है, इसका ये सिनोनिम है, ऐसे एंटोनियम निकालते, नहीं, कभी भी याद नहीं होगा। हमेशा कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाते जाओ, यानी जब भी पढ़ो सिनोनिम तो उसका एंटोनियम लाजमी पढ़ो, 10 नहीं पढ़ सकते, 1 लाजमी पढ़ो, और अपने पास एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करके उसकी लिस्ट बनाना स्टार्ट करें। अब देखें, मेरे जो तरीका होता है वो क्या होता है कि आप इसको ब्रॉड कर लें कि वर्ड आपने लिख लिया एक, उसके बाद उसका सिनोनियम, उसके बाद उसका एंटोनियम, उर्दू मीनिंग लिख लें और साथ में सेंटेंस भी बना लें, तो ये याद रहेगा आपको। देखें स्टूडेंट, इस टाइम पे जब आप एप्टीट्यूड का टेस्ट देने जा रहे हो, इस टाइम पे आप सीखना यानी इंग्लिश सीख नहीं रहे हो, आप उसको टैकल कर रहे हो, डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसके अंदर स्कोर करूं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, डोंट गो फॉर कंप्लीट करेक्ट सेंस ऑफ द वर्ड। अब फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस लिखा है, उसमें कोई बहुत मुश्किल से वर्ड आ गया, हमारी टर्म में कहते हैं जॉ ब्रेकिंग वर्ड आ गया एक, अब आपको समझ नहीं आ रहा उसका मतलब क्या होगा, तो आप क्या करो, पूरा सेंटेंस बार बार पढ़ो, उसमें से उसका सेंस निकालने की कोशिश करो कि क्या बन सकता है ये, ठीक है। आपने प्रिडिक्शन करनी होती है। अगेन, 100% इंग्लिश ना मुझे आती है ना दुनिया में किसी और को आती है, ठीक हो गया। आपने प्रिडिक्शन से काम करना होता है, ये मैं वीडियो में आगे जाकर बताऊंगा ये क्या चीज है। लास्ट इज के यूट्यूब वर्सेज माई लेक्चर्स। देखें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम यूट्यूब पे देख लें, बिल्कुल फेयर इनफ, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान या कराची के हिसाब से जो आप इंटरमीडिएट बोर्ड है आपका, उसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स को डिटेल में बताना है, किन टॉपिक्स को शॉर्ट करना है, जो टॉपिक्स नहीं पूछे जाते उनको ऑब्सोलीट हम हटा देते हैं वहां से, तो यूट्यूब पे आपको डिटेल्ड में इंडियन कॉन्टेंट बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, तो YouTube पे जो भी लेक्चर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्टीशियोमेट्री पढ़ते हो, वो बहुत डिटेल में आपको बहुत ज्यादा चीजें बताएंगे, और मेरे लेक्चर्स के अंदर उसको इंटर बोर्ड के हिसाब से हमने उसको बनाया है, ठीक हो गया। आए चलते हैं जरा सेनोनिम एंटोनियम्स की तरफ, कि इसको हम कैसे टैकल करते हैं। हम इसको टैकल करते हैं रूट वर्ड्स के थ्रू। अब ये रूट वर्ड्स क्या होते हैं, देखें, आपके पास एक टर्म है रूट, जैसे पेड़ की एक रूट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टर्म है अपियर, ठीक है, ये आपका रूट वर्ड हो गया अपियर। अब अपियर से पहले अगर मैं कुछ लगा दूं, यानी प्रीफिक्स लगा दूं डिस, तो मतलब बिल्कुल ही इसका चेंज हो गया, डिसअपियर हो गया। और सफिक्स अगर हम लगा दें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रीअपियर हो जाएगा। इसी तरीके से रैप को री रैप और अनरैप हो जाएगा। इसमें क्या होता है हमारे पास कि एक टर्म होती है और उसके आगे और पीछे अगर हम चेंजेस कर दें तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईयू, इसको हम सिर्फ प्रोनाउंस करते हैं यू, या आप इसको यू भी प्रोनाउंस कर सकते हो। कहीं पे भी आप ये टर्म देखो ईयू, इसका मतलब क्या होता है, गुड, वेल या प्लेजेंट। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि यू का मतलब होता है गुड, वेल या प्लेजेंट। चलते हैं कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसमें ईयू आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू बायोटेक्स, बायो मतलब तो आपके पास आ गया लिविंग, ठीक है, और यू मतलब मैंने आपको बताया गुड या वेल।
द स्टडी ऑफ लिविंग इन अ हेल्दी स्टेट, यानी ये जो भी टर्म होगी वो आपको पॉजिटिव इशारा दे रही होगी। इसी तरीके से यूथर्मिक, थर्म मतलब आपके पास हो जाता है टेम्परेचर, और गुड यानी एक ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास यूफोनी हो गया, यूपनिया हो गया, यूडिमोन हो गया। अब आप इनको देखते जाए, देखें यू मतलब तो हो गया प्लस यानी गुड, और उसके बाद वाली टर्म देखें, क्लियर। इसको कहते हैं हम रूट वर्ड, यानी आपने सिर्फ एक वर्ड याद किया यू, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 आपको वर्ड्स ऐसे मिल गए जो आपने याद नहीं करने, आपने सिर्फ यू का मतलब याद किया और बाकी 8 के मीनिंग आपको खुद ही पता चल जाएंगे। यहां पे मैंने मजीद यहां पे वर्ड्स लिख दिए आपके लिए, इट इज यू पैप्सिया। अब यू मतलब पता चल गया गुड, पैप्स का मतलब जो लोग बायो के उन्हें पता होगा इसका मतलब होता है डाइजेशन, डाइजेशन तो इसका मतलब क्या हो गया गुड डाइजेशन। नेक्स्ट है यूफोनिया, यू मतलब अगेन गुड। फोन का टर्म कहीं पे भी आए स्टूडेंट उसका मतलब होता है साउंड, किसी की आवाज अच्छी है या कोई अच्छा साउंड है तो आप उसको क्या कह सकते हो यूफोनिया। यूजेनिक्स की बात करें, जेन मतलब क्या होता है ह्यूमन बींग या ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी चीज हो जाएगी, इट इज फॉर द इम्प्रूवमेंट, फॉर द गुड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, इसका मतलब हो गया। इसी तरीके से यूपनिया है हमारे पास, यू मतलब होता है गुड, यहाँ पे टर्म आ जाए गया PNEA, इसका मतलब होता है ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है ये, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब है हमारे पास यू ट्रॉफी, यू मतलब होता है गुड, ट्रॉफी मतलब आपके पास क्या हो गया नरिशमेंट, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको स्टूडेंट सिर्फ यू का मतलब पता है तो आप उससे लातादाद वर्ड्स का मीनिंग निकाल सकते हो। देखें जब भी आपके पास ऑप्शन आएगा A, B, C, D या इवन ई भी आ जाए, उसमें दो ऑप्शंस आपके पास तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं होंगे और बाकी तीन थोड़े से क्लोज होते हैं या कभी कभी दो क्लोज होते हैं। तो अगर आपको तो ये टर्म याद है यानी रूट वर्ड याद है, फिर तो आप कर लोगे आसानी से। ये एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, जैसे किसी भी टर्म के पास एब लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है अवे, तो उसका मतलब हो गया एब्सेंट, एबनॉर्मल या एब्जॉर्ब, ये वर्ड्स आ गए आपके पास। इसी तरह से हमारे पास और मजीद एड लगा होता है तो उसका मतलब होता है टू वर्ड्स। आपने स्टूडेंट्स असल इस चीज के ऊपर काम करना है, ये आपको खुद ही आ जाएंगे, फिर आप सिर्फ उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी चीजें खुद याद कर देंगी। वीडियो में आगे चल के मैं आपको और डिटेल इसकी बता